सो हेलो गाइस, कैसे सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले पॉपुलर। एंड गाइस, इस मैच में लास्ट में थोड़ी सी सीन हो जाती है, तो वो तो भाई थोड़ी सी फनी है, तो इस वीडियो को पूरा एंड देखना। तो फिलहाल यहाँ पे मैं दो चुका हूँ जंक यार्ड पे भाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सामने बहुत सारे बंदे उतर रहते हैं। तो फटाफट से यहाँ पे मुझे M416 मिल जाती है एंड AKMP मिल जाती है, तो इन दोनों को लेके आता हूँ इस तरफ। लेकिन इतने मुझे सामने एक बंदा दिख जाता है, तो इसको देखो कैसे मारता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस बंदे को थोड़ी बहुत डैमेज तो देता हूँ, लेकिन भाई वो उस पत्थर के पीछे जाके छुप जाता है। एंड मुझे पता है वो जाके अभी हील कर रहा होगा। एंड अभी मैं दोबारा से उसको डैमेज देता हूँ एंड इस तरफ आके इसके यहाँ पे मैं पूरा खत्म कर देता हूँ। एंड अभी जाके इसको लूट लेते हैं। तो यहाँ पे इस बंदे को मारने के बाद यहाँ पे मैं आ जाता हूँ इस रेड वाली बिल्डिंग की तरफ। एंड यहाँ पे आते ही मुझे एक और बंदा दिख जाता है, तो यहाँ पे ये बंदा उस तरफ से भाग के मतलब उस तरफ जा रहा है। एंड मैं भी इस तरफ आके इसको मैं पकड़ लेता हूँ एंड अभी पूरा फिनिश कर देता हूँ। तो अभी इसको मैं फटाफट से पूरा फिनिश कर देता हूँ। एंड यहाँ पे और भी बंदे उतरते हैं भाई, तो फटाफट से इस तरफ आ जाता हूँ। एंड यहाँ पे ये बंदा इस तरफ भगता हुआ जा रहा था, लेकिन इसको मैं देख लेता हूँ एंड पकड़ लेता हूँ। एंड इन सबको मारने के बाद मैं आ जाता हूँ इसी घर में। एंड यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत इंतजार करता हूँ, लेकिन इतने में यहाँ पे अचानक से बहुत ज़्यादा फरिंग सुनाने लगती है। एंड यहाँ पे यहीं पे मुझे एक बंदा दिखता है, तो इसको मैं फटाफट से नॉक कर देता हूँ। एंड यहाँ पे खिड़की से इसको नॉक कर देता हूँ एक बंदे को। एंड यहाँ पे दूसरा बंदा है जिसको भी यहाँ पे मैं नॉक कर देता हूँ। एंड अभी जाके दोनों को फिनिश कर देते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों को फिनिश करने के बाद मुझे यहाँ पे एक और बंदा मेरे ऊपर फायर करने लगता है, जो कि यहाँ पे पीछे होता है, तो इसको मैं फटाफट से नॉक एंड फिनिश दोनों भी कर देता हूँ। एंड यहाँ पे इसको मारने के बाद यहाँ पे मुझे इस पहाड़ के ऊपर एक बंदा दिखता है। एंड यहाँ पे मुझे सेंट्रल रोड पे बहुत ज़्यादा फायरिंग साउंड आने लगती है, तो फटाफट से इसको लूट लेते हैं। एंड अभी चलते हैं उनको मारने के लिए। तो यहाँ पे मैं इस बंदे का किल भी चुरा लेता हूँ एंड इसको भी मैं मार देता हूँ। एंड अभी मैं सोचता था कि जाके आराम से लूट लेंगे एंड खुशी खुशी से ऐसे निकल लेंगे, लेकिन ये देखो भाई यहाँ पे मेरे ऊपर बॉम्ब गिर जाते हैं एंड यहाँ पे मैं मर जाता हूँ। मतलब ये कभी कभी होता है, लेकिन कोई बात नहीं। अब चलते हैं दूसरी गेम प्ले की तरफ। तो इस गेम प्ले में उतरता हूँ ओल्ड मिशन पे एंड यहाँ पे बहुत सारे बंदे आज उतरने वाले हैं एंड ये गेम प्ले भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। तो फटाफट से यहाँ पे मैं उतर जाता हूँ इस बिल्डिंग में। एंड यहाँ पे देखो भाई एक एक करके बहुत सारे बंदे आने वाले हैं। तो यहाँ पे इस बिल्डिंग में ही दो बंदे उतर चुके हैं, तो फटाफट से मैं गन को लूटता हूँ। एंड यहाँ पे एक बंदा नीचे आते हैं लूटने के लिए, लेकिन इसको थोड़ी बहुत डैमेज देता हूँ। एंड अभी इसको मैं पकड़ लेता हूँ। एंड यहाँ पे इसके पास गन भी था एंड ये गन लेके ऊपर आ रहा था भाई मुझे मारने के लिए, लेकिन इसको पता नहीं है कि मैं ऑलरेडी नीचे कूद चुका हूँ एंड इसको मैं मार देता हूँ भाई। तो फटाफट से मैं इसके अंदर आ जाता हूँ। एंड यहाँ पे भाई एक बंदे का मुझे फुटस्टेप आ रही है भाई नीचे से। तो यहाँ पे मैं फटाफट से निकलता हूँ उस बंदे को मारने के लिए एंड ऊपर आता हूँ भाई, लेकिन यहाँ पे ऊपर वो बंदा मुझे नहीं दिखता है। यहाँ पे एक बंदा दिखता है, तो इसको मैं थोड़ी बहुत डैमेज देता हूँ एंड वो बच जाता है भाई। लेकिन इतने में मुझे सामने एक बंदा दिखता है जिसका मतलब किल भी चुरा लेता हूँ एंड इसको भी मैं मार देता हूँ भाई। तो फटाफट से मैं नीचे कूदता हूँ एंड भाई यहाँ पे नीचे कूदते ही मुझे इस बिल्डिंग से दो तीन बंदे की फुटस्टेप आ रही है। तो यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि सबसे पहले ना जिसको मैंने सामने नॉक करा ना उसको जाके फिनिश करते हैं, मतलब मेरा किल कोई ना चुरा ले भाई। तो यहाँ पे आते ही मुझे पता चल रहा है कि जिस बंदे को मैंने नॉक करा था वो फिनिश तो हो चुका भाई। तो यहाँ पे आते ही मुझे एक और बंदे की फुटस्टेप आने लगती है, जिसके आप फटाफट से पकड़ के मार देता हूँ एंड अभी जाके लूट कर लेते हैं भाई। एंड इससे मुझे सक्सेस मिल जाती है, तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो फटाफट से सब कुछ लूट के दोबारा से मैं इस तरफ आता हूँ। एंड यहाँ पे एनिमी
तो गाइस यहाँ पे 6x को 3x में कन्वर्ट करने के चक्कर में मेरा एक किल मिस हो गया एंड यहाँ पे वो बंदा बच जाता है। तो फौरन से मैं ऊपर आता हूँ एंड मुझे पता है वो बंदा मेरे ऊपर रश करने के लिए तो आएगा ही ना, तो यहाँ पे आके मैं पोजीशन ले लेता हूँ एंड यहाँ पे देखता हूँ कि नहीं है भाई, यहाँ पे कोई बंदा मेरे ऊपर रश ही नहीं कर रहा भाई यहाँ पे। तो फौरन से मैं इस तरफ आ जाता हूँ एंड इस तरफ आने के बाद मुझे एक गाड़ी का साउंड आता है जिसमें दो बंदे होते हैं एंड यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत डैमेज देता हूँ लेकिन वो निकल लेता है। लेकिन इतने में मुझे यहाँ पे एक बंदे की फुटस्टेप आने लगती है सोगा। इस बंदे को मैं फिनिश तो कर देता हूँ लेकिन इतने में मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा खतरनाक स्प्रे मेरे ऊपर पड़ने लगती है भाई, मतलब पता नहीं कहाँ से मार रहा है। ओके यहाँ से मारा था एंड वो बंदा मुझे मारने के लिए दोबारा आ रहा है एंड मेरे पास यहाँ पे मेडिकेट भी नहीं है भाई। तो यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत सोचता हूँ कि क्या करना चाहिए एंड अगर वो आएगा तो पक्का मुझे पेली देगा भाई, मैं कुछ भी कर लूँ वो पेली देगा। तो यहाँ पे मैं एक प्लान बनाता हूँ, यहाँ पे सामने जो बिल्डिंग है ना यहाँ पे चल लेता हूँ फटाफट से, उसको पता नहीं लगना चाहिए कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ एंड फटाफट से मैं ऊपर चल देता हूँ एंड यहाँ पे मैं पूरा अच्छे से हील कर चुका हूँ भाई। तो यहाँ पे मैं दोबारा से नीचे कूदता हूँ एंड उस बंदे को मारने के लिए चलता हूँ। लेकिन भाई जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ वो बंदा यहाँ से निकल चुका होता है भाई। तो यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत देखता हूँ एंड यहाँ पे मुझे कोई भी बंदा नहीं दिखता है तो इसलिए फटाफट से मैं सामने भागता हूँ। लेकिन इतने में मुझे वही बंदा दिख जाता है एंड इसको मैं थोड़ी बहुत डैमेज देता हूँ, वो बंदा उस तरफ भाग जाता है एंड मुझे पता है अब जाके वो हील कर रहा होगा। तो फटाफट से मैं इस तरफ चलता हूँ एंड वो बंदा मुझे इस तरफ थोड़ी बहुत दिखता है लेकिन फटाफट से वो निकल जाता है। तो फटाफट से मैं इस तरफ चलता हूँ एंड अभी पूरा घूम के उसको मैं मारने वाला हूँ। तो अभी मुझे पता चल चुका है कि वो एग्जैक्टली कहाँ पे है। तो यहाँ पे इस बंदे को मस्त तरीके से हेड पे मार के मैं ख़त्म कर देता हूँ एंड इसके साथ यहाँ पे 7 किल भी हो जाती है एंड यहाँ पे मैं देखता हूँ कि जोन भी आ रहा है तो फटाफट से इसको लूट कर लेता हूँ एंड अभी गाड़ी लेके जोन में निकलने की मैं प्लान कर रहा था। लेकिन इतने मुझे सामने एक और बंदा दिख जाता है भाई, तो यहाँ पे मैं इस बंदे को मार देता हूँ एंड यहाँ पे मुझे नहीं लगता और कोई बंदा यहाँ पे होगा। तो फटाफट से मैं गाड़ी लेके जोन में निकलता हूँ क्योंकि जोन बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहा है भाई। तो फटाफट से गाड़ी लेता हूँ एंड जोन में निकलता हूँ। लेकिन भाई यहाँ पे मैं गाड़ी लेके जोन में जा ही रहा था लेकिन इतने में मुझे हल्का सा फुटस्टेप सुनाई देता है। तो फटाफट से मैं गाड़ी लेता हूँ एंड भाई वहाँ पे एक बंदा होता है तो इसको जाके मार देते हैं भाई। तो बस इस बंदे को मैं मार देता हूँ एंड इसी के साथ यहाँ पे 9 किल्स हो जाती है, मतलब ओल्ड विजन पे ही मेरा 9 किल्स हो चुका है। तो फटाफट से मैं आ जाता हूँ जोन में एंड यहाँ पे मुझे एक बग्गी दिखता है जिसमें एक बंदा होता है तो इस बंदे को मैं थोड़ी बहुत डैमेज देता हूँ एंड ये बंदा इस बग्गी को इस घर में लेके आ जाता है एंड यहीं से इसको मस्त तरीके से स्प्रे देके ख़त्म कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं अभी उसको लूटने के लिए चलता हूँ। लेकिन भाई यहाँ पे मेरा टीममेट जो है ना गाड़ी लेके पहले जाना चाहता है उसको लूटने के लिए, तो यहाँ पे मैं फटाफट से भागता हूँ लूटने के लिए। लेकिन भाई वो पहले पहुँच जाता है, मतलब क्या ही बोलूँ भाई इसको। तो फटाफट से मैं लूट लेता हूँ अच्छे से, सब कुछ लूट लेता हूँ भाई, लगता है इसका बैग फुल हो चुका है तो इसलिए इसने नहीं लूटा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने सब कुछ लूट लिया एंड अभी यहाँ पे मैं फटाफट से इस बगी में बैठता हूँ एंड चलता हूँ आगे। तो यहाँ पे मैं बगी लेके जा ही रहा था लेकिन इतने मुझे पीछे एक बंदे की फायरिंग सुनाती है। तो बस इस बंदे को तो मैं मार तो देता हूँ लेकिन भाई इतने भी मेरे ऊपर दो तरफ से फायर होने लगती है एंड भाई यहाँ पे मुझे मार देते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे 11 किल्स कर लिए एंड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच था भाई। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देना एंड अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड पास में जो बेल आइकन है ना उसको भी ऑन कर देना। तो ओके गाइस, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।